शुक्रवार को जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन ने एक शोक सभा का आयोजन यूनिवर्सिटी मुख्य द्वार पर किया। संस्था के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। सभा के अध्यक्ष जेसी विनीत पोद्दार, सचिव जेसी पीयूष जैन, अमित जगनानी, चेतन नंदवानी, विभोर पोद्दार, खुशहाल खट्टर, मुकेश सोंथलिया, नितिन जैन, आशुतोष चौखानी, संजय जैन, जेसी रेट विंग चेयरपर्सन अनुराधा जैन, मनीषा भगत, सीमा सोथलिया मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सचिव जेसी मिड टाउन पीयूष जैन ने कहा, दो तीन कार्यक्रम तो ये पड़े हुए हैं। पीयूष जैन, सचिव जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था और भारत को एक परमाणु शक्ति बना के विश्व में एक स्थान जो दिलाया था, आज वो हमारे बीच में नहीं है और पूरी संस्था की तरफ से जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज जो क्षति इस देश को हुई है वो कभी पूरी हो नहीं सकती है, उनकी कमी को कोई भर नहीं सकता है। जो शून्य आज एक इस देश में रहा है उनके जाने से वो शून्य को कभी भरा नहीं जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने आप में एक महान नेता थे, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, कारगिल युद्ध जीता और गठबंधन की सरकार को सफलतापूर्वक 5 साल चलाया और ये बताया कि अनेकताओं में एकता वाला यह देश कैसे सब दलों को मिला के एक 5 साल की पूरी सरकार चला सकता है। तो उन्होंने जो किया इस देश के लिए, उस देश उनके इस योगदान को कभी भूलेगा नहीं और हम लोग हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जो इस देश को दिया है, देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा।